नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं लोटस टेंपल के बारे में। यह दिल्ली में स्थित है, इसको हम लोग कमल मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों लोटस टेंपल भारत के नई दिल्ली में है। इसका निर्माण कार्य 1986 में पूरा हुआ था। यह अपने फूल जैसे आकार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में इसे मदर टेंपल भी कहा जाता है और काफ़ी समय से शहर का यह मुख्य आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। दोस्तों कमल मंदिर या आप कहें लोटस टेंपल ने बहुत से आर्किटेक्चरल अवार्ड अर्जित किए हैं और 125 से भी ज़्यादा अखबारों में इसे प्रकाशित किया गया है और इस मंदिर में बहुत सी पत्रिकाओं के लेख भी लिखे गए हैं। प्रार्थना करने से सभी घरों की तरह कमल मंदिर सभी के लिए खुला है, मतलब किसी भी धर्म का व्यक्ति यहाँ इस मंदिर में आ सकता है। दोस्तों इस मंदिर में 27 खड़ी मार्बल की पंखुड़ियाँ बनाई हुई हैं, जिसे 3 और 9 के आकार में बनाया गया है और साथ ही इसके प्रवेश हॉल में 9 दरवाजे भी बनाए गए हैं जो तकरीबन 40 मीटर के हैं और इस हॉल में तकरीबन 2400 लोग एक साथ आ सकते हैं। 2001 की CNN रिपोर्ट के अनुसार यह दुनिया का सबसे ज़्यादा लोग इसको देखने आए थे, मतलब इसके नाम पर यह रिकॉर्ड है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पर्यटक इसे देखने आए हैं। दोस्तों इस मंदिर में आकर आपको काफ़ी शांति की अनुभव होगा। दोस्तों इस मंदिर का आकार कमल के फूल की तरह है क्योंकि कमल के फूल को शांति शुद्धता और प्यार और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। बहाई धर्म के बारे में हम आपको बताएंगे बाद में। बहाई की आस्था और श्रद्धा का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है यह लोटस टेंपल और बहाई धर्म की स्थापना बहाउल्लाह ने की थी जो कि तेहरान के पर्शियन अमीर आदमी थे। बहाई धर्म के अनुसार भगवान केवल एक ही हैं। कमल मंदिर में सभी लोग प्रार्थना करने आते हैं। कमल मंदिर नई दिल्ली के कालकाजी इलाके में है। इस मंदिर को बनाने में 1 दशक से भी ज़्यादा समय लगा था। अंततः 1986 में यह मंदिर सामान्य लोगों के लिए खुला। कमल मंदिर को तकरीबन 700 इंजीनियर और टेक्नीशियन और कामगार कलाकारों ने मिलकर बनाया। मंदिर में एक समय में एक साथ 2400 लोग आ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। यह मंदिर तकरीबन 40 मीटर लंबा और 9 तालाबों से घिरा हुआ है। इस मंदिर को बनाने में जिस मार्बल का उपयोग किया गया है उसे ग्रीस कंट्री से मंगवाया गया है। दोस्तों कमल मंदिर को कनाडा के पार्शियन आर्किटेक्ट फर बोर्ज सेहवा ने डिजाइन किया था। इस मंदिर की आकृति कमल जैसी होने के कारण इसे कमल मंदिर या लोटस टेंपल कहा गया। मंदिर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विस्तृत घास के मैदान, सफ़ेद विशाल भवन, ऊंचे गुंबद वाला प्रार्थनागार और प्रतिमाएँ और मंदिर में आकर्षित होकर हजारों लोग यहाँ मात्र दर्शन की भाग नहीं बल्कि प्रार्थना एवं ध्यान करने तथा निर्धारित समय पर होने वाली प्रार्थना सभा में भाग लेने आते हैं। इस मंदिर में एक विशेष प्रकार की प्रार्थना हर घंटे पर 5 मिनट के लिए की जाती है। कमल मंदिर में प्रतिदिन देश और विदेश से लगभग 8 से 10 हज़ार पर्यटक आते हैं। यहाँ का शांत वातावरण प्रार्थना और ध्यान के लिए सहायक है। फूल के आकार में बना यह मंदिर 20वीं शताब्दी में नई दिल्ली के पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बना है। कहते हैं कमल मंदिर के बारे में। दिल्ली के नेहरू पैलेस के समीप कालकाजी स्थित कमल मंदिर एक बहाई उपासना मंदिर है। कमल मंदिर का निर्माण सन 1986 में किया गया था। कमल मंदिर को भारत के मंदिरों की मां के रूप में भी देखा और पढ़ा जाता है। यह एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहाँ कोई मूर्ति नहीं है और न ही यहाँ किसी प्रकार के धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं। कमल मंदिर की संरचना कमल के फूल की तरह की गई है, जिसके कारण आज यह मंदिर दिल्ली शहर का प्रमुख आकर्षण बन गया है। कमल मंदिर की संरचना को कई पुरस्कार भी मिले हैं और इसे कई अखबारों और पत्रिकाओं में भी इंकित किया गया है। इस मंदिर में अलग अलग धर्मों से संबंधित विभिन्न पवित्र लेख पढ़े जाते हैं। भारत के लोगों के लिए कमल का फूल शांति और पवित्रता का सूचक है और साथ ही इसे ईश्वर के अवतार का संकेत चिन्ह भी माना जाता है। कमल मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही शांत और स्वच्छ है, जो प्रार्थना और ध्यान करने के लिए उचित माना जाता है। कमल मंदिर का उद्घाटन
24 दिसंबर 1986 को किया गया था, लेकिन आम नागरिकों के लिए इसे 1 जनवरी 1987 के दिन से खोल दिया गया। इस मंदिर का निर्माण कमल के फूल की तरह किया गया है, जिसके कारण इसे लोटस टेम्पल और कमल मंदिर के नाम से जाना जाता है। कमल मंदिर उन मंदिरों में से है जो गौरव, शांति एवं उत्कृष्ट वातावरण को प्रकाशित करते हैं। कमल मंदिर परिसर में विस्तृत घास के मैदान है, जिनके बीच सफ़ेद संगमरमर से बने विशाल भवन के ऊपर एक बड़ा सा गुंबद, जिसे चारों ओर पानी के छोटे छोटे तालाब घेरे हुए हैं, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ हर घंटे 5 मिनट के लिए एक प्रार्थना की जाती है। गर्मी के दिनों में मंदिर का सूचना केंद्र सुबह 9:30 बजे खुलता, जो शाम को 6:30 बजे बंद कर दिया जाता है, तथा सर्दियों में इस समय को बढ़ाकर 10 बजे कर जाता, लेकिन शाम को ठीक 5 बजे इस केंद्र को बंद कर दिया जाता है। कमल के फूल के समान बने इस कमल मंदिर में 27 मुक्त पंखुड़ियाँ हैं, जिन्हें संगमरमर से ढका गया है। पंखुड़ियों की व्यवस्था 3 के समूह में कुछ इस प्रकार की गई है कि ये 9 के रूप में प्रदर्शित हो। कमल मंदिर का सेंट्रल हॉल 40 मीटर लंबा है, जिसकी क्षमता 2500 व्यक्तियों को धारण करने की है। कमल मंदिर का क्षेत्रफल 26 एकड़ तक फैला हुआ है, जिसमें 9 तालाब और घास के मैदान भी शामिल हैं। कमल मंदिर का निर्माण करने वाला व्यक्ति एक ईरानी था। कमल मंदिर से जुड़े 20 मज़ेदार तथ्य आपको बताने जा रहा हूं, जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। नंबर 1, कमल मंदिर को एक से बढ़कर एक आर्किटेक्चर अवार्ड दिए गए हैं, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही सुंदर है। ऐसा बहुत कम ही हुआ है जब किसी मंदिर को इतने अवार्ड मिले हो। नंबर 2, कमल मंदिर में किसी भी धर्म का व्यक्ति ना केवल प्रवेश कर सकता है, बल्कि प्रार्थना भी कर सकता है। ये सर्वधर्म समभाव का संदेश देता है। नंबर 3, ये इमारत सफ़ेद मार्बल के पत्थरों से बनी हुई है और इसमें कुल 27 पंखुड़ियाँ हैं, जिन्हें 3 और 9 के आकार में बनाया गया है। नंबर 4, कमल मंदिर में कुल 9 दरवाजे हैं, जो कि 40 मीटर के हैं। नंबर 5, कमल मंदिर में एक साथ 2400 लोग तक प्रवेश कर सकते हैं। नंबर 6, वर्ष 2001 में ICNN की रिपोर्ट के अनुसार कमल मंदिर एक ऐसी इमारत है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से बहुत से लोग आते हैं। नंबर 7, कमल मंदिर को बनने के लिए लगभग 10 साल का लंबा समय लगा। नंबर 8, इसे पहली बार 1986 में खोला गया था। नंबर 9, कमल मंदिर में लगा हुआ मार्बल ग्रीस से मंगवाया गया था, जो कि अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए जाना जाता है। नंबर 10, मंदिर को देखने के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 4 मिलियन से भी अधिक लोग आते हैं, जिसके अनुसार हर रोज़ तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग आते हैं। नंबर 11, जो लोग बहाई धर्म में विश्वास रखते हैं, वो यहाँ विभिन्न तरह की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। नंबर 12, कमल मंदिर के अंदर शोर करने पर सख्त मनाही है, क्योंकि ये अपने शांत तरह के पर्यावरण के लिए जाना जाता है। नंबर 13, शोर से बचने के लिए आगंतुकों को आग्रह किया जाता है कि वे अपने फुटवियर बाहर ही उतार कर आए। नंबर 14, कमल मंदिर के अंदर लकड़ी की बेंच है, जो श्रद्धालुओं को बैठकर आराम से ध्यान लगाने में मदद करती है। नंबर 15, कमल मंदिर को तकरीबन 700 इंजीनियर, तकनीशियन, कामगार और कलाकारों ने मिलकर बनाया था। नंबर 16, कमल मंदिर के अंदर किसी भी भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ लोग सिर्फ भगवान को मन में याद करके पूजा करते हैं। नंबर 17, ये मंदिर मूर्ति पूजा में नहीं अपितु ईश्वर की उपस्थिति में विश्वास करता है। नंबर 18, कालका जी स्थित कमल मंदिर पूरे एशिया में एकमात्र बहाई मंदिर है। नंबर 19, कमल मंदिर में हर एक घंटे में 5 मिनट के लिए स्पेशल प्रार्थनाएँ आयोजित की जाती हैं। नंबर 20,
मंदिर को कमल के आकार का बनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि कमल को सभी धर्मों में पूजनीय व पवित्र माना जाता है। अब कमल मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बता रहे हैं। कमल मंदिर में आप मंगलवार से रविवार किसी भी दिन जा सकते हैं।